सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद उनके फैंस और शुभचिंतक बहुत दुखी हैं, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो एक बच्चे के गुजर जाने पर उसकी माँ को होती है। इस बात की कल्पना भी कर पाना बेहद मुश्किल है कि सिद्धार्थ शुक्ला के गुजर जाने के बाद उनकी माँ ने किस तरह खुद को तसल्ली दी होगी। सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी माँ दोनों ही अक्सर ब्रह्म कुमारी सेंटर विजिट किया करते थे। सिद्धार्थ की मौत के बाद भी ब्रह्म कुमारी सेंटर ने एक वर्चुअल शोक सभा आयोजित करवाई थी। अब ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बता रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनकी मां रीता शुक्ला की प्रतिक्रिया कैसी थी। शिवानी दीदी वीडियो में बताती हैं कि 2 तारीख को शाम को जब मैंने रीता बेन से फोन पर बात की, अर्थात सिद्धार्थ भाई की मम्मी से, जो हमने अभी दीदी ने बताया ना, माँ की परवरिश, माँ के संस्कार पालना, तो जब मैंने उनसे फोन पर बात की, जब उन्होंने सिर्फ फोन पर आकर कहा ओम शांति, तो उस ओम शांति में इतनी स्थिरता थी कि इतनी शक्ति थी। उन्होंने वीडियो में कहा, मैंने सोचा भगवान ये कौन सी शक्ति है जो इस माँ के मुख के द्वार बोल रही है। और फिर मैंने कहा, रीता बहन आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास परमात्मा की शक्ति है, क्या महान आत्मा है जिसकी माँ इतनी महान है कि उस समय भी उसके मन में बस एक ही संकल्पना थी। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक ही संकल्प है कि वो खुश रहेगा जहाँ जाएगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।